आज के लिए इस समय की आप सबके लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि आतंकवादी संगठन अलकायदा ने भारत के खिलाफ एक धर्म युद्ध छेड़ने का खुलकर ऐलान किया है और नुपुर शर्मा का नाम लेकर मोदी सरकार पर ईश निंदा का आरोप लगाया है। साथ ही उसने अरब देशों के मुसलमानों से कहा है कि वो भारत के हिंदुओं का और भारत में बने सामान का बहिष्कार करें। अलकायदा ने अपनी जिस मैगजीन या कह लीजिए जिस मुखपत्र में ये सारी बातें लिखी हैं, उस मुखपत्र का नाम है वन उम्मा या वन उम्मत, और इसका अर्थ होता है एक राष्ट्र या एक समुदाय। और जैसा कि आप जानते हैं, अलकायदा जैसे जो कट्टरवादी संगठन है, वो ये सपना देखते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया एक राष्ट्र बन जाएगी या पूरी दुनिया एक समुदाय बन जाएगा और उस समुदाय में एक ही धर्म होगा। बड़ी बात यह है कि यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली अलकायदा की इकलौती मैगजीन या उसका मुखपत्र है जिसमें अक्सर भारत के बारे में भारत विरोधी बातें लिखी होती हैं, और इस बार भी अलकायदा ने अपने लेटेस्ट एडिशन में यही किया है। अलकायदा ने अपने इस मुखपत्र में भारत के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ने की बात कही है और इसमें पांच बड़ी बातों का जिक्र किया गया है, और वो पांच बातें जो हैं वो आप सबके लिए जानना जरूरी है। और अलकायदा जैसे जो संगठन है, वैसे तो वो बहुत महत्व नहीं रखते, उनके जो लोग हैं उन्हें हम डरपोक आतंकवादी ही कहेंगे, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस विचारधारा से प्रभावित हैं, जो इन डरपोक आतंकवादियों को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए आज उनका दिमाग साफ करना भी हमारे लिए आवश्यक है। और आपको सावधान करना एक बहुत हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए आज जो बातें आपको बता रहे हैं आपको सावधान करने के लिए बता रहे हैं। पहली बात जो इसमें लिखी है, उसमें लिखा है कि नुपुर शर्मा ने, जो बीजेपी के नेता है नुपुर शर्मा, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर जो टिप्पणी टीवी पर की थी वो सीधे तौर पर पैगंबर साहब का अपमान है और अलकायदा भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को और नुपुर शर्मा को इसके लिए दोषी मानता है। और अलकायदा ने आगे ये भी लिखा है कि नुपुर शर्मा ने इसलिए पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की क्योंकि वो हिंदू हैं और उन्हें एक हिंदू सरकार का समर्थन मिल रहा है और दुनिया भर के मुसलमानों को अब इसके खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। यानी एक धार्मिक कट्टरपंथ का जहर अलकायदा के लोग इस मैगजीन के जरिए फैला रहे हैं। दूसरी बात इसमें लिखी है, दुनिया अलकायदा दुनिया भर के मुसलमानों से भारत का, भारत के हिंदू समुदाय का, भारत में बने सामान का और भारत की कंपनियों का बहिष्कार करने की बात कह रहा है। तीसरी बात इसमें यह लिखी है कि भारत के मुसलमानों को भी अलकायदा का साथ देना चाहिए। यह एक खतरनाक बात है कि भारत के मुसलमानों को भी अलकायदा का साथ देना चाहिए, अपने देश का साथ नहीं देना चाहिए, ऐसा ये लिखते हैं। चौथी बात, गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को वहां से निकाल देना चाहिए और इन देशों में जितनी भी कंपनियों में भारत के लोग नौकरी करते हैं उन्हें भी इन नौकरियों से हटा देना चाहिए। और पांचवी और सबसे खतरनाक बात जो इसमें लिखी है वो ये कि अलकायदा ने कश्मीर को आजाद कराने के लिए भारत के मुसलमानों से मदद मांगी है और कहा है कि अगर भारत के मुसलमान आतंकवादियों की मदद करें तो कश्मीर के मुसलमान भारत से अलग हो सकते हैं। वैसे तो अलकायदा की कोई हैसियत नहीं है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं इनकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन दुनिया भर में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलकायदा और इस तरह के डरपोक आतंकवादियों को अपना आदर्श मानते हैं और अलकायदा और आईएसआईएस जैसे संगठन धर्म के नाम पर दुनिया भर के लोगों को बांटते हैं ताकि इनकी दहशत की दुकानें चलती रहें। और आज हम यही आप सबके सामने बात लेकर आए हैं कि इनकी दहशत की दुकानों को हमें बंद करना है और इन पर हमेशा के लिए ताला लगा देना है। इसका एक उदाहरण इसी मैगजीन में खुद अलकायदा ने दिया है, देखिए क्या लिखते हैं। अलकायदा ने इस मैगजीन में अमेरिका में 9/11 का हमला करने वाले आतंकवादियों की तस्वीरें प्रकाशित की हैं और उन्हें हीरो बताया है यानी नायक बताया है और दुनिया भर के मुसलमानों से कहा है कि वो इन आतंकवादियों को कभी ना भूले। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर अलकायदा खाड़ी देशों से भारत के लोगों को निकालने की बात क्यों कह रहा है
और वो दुनिया भर के मुसलमानों से भारत का बहिष्कार करने की अपील भी क्यों कर रहा है और ये अपील क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, इस सवाल का जवाब इन आंकड़ों में छुपा है। अलकायदा ने असल में भारत के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया है, जिसमें वो नुपुर शर्मा के बयान को लेकर दुनिया भर के मुसलमानों में भारत और खासकर हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरना चाहता है और दुनिया भर के मुसलमानों को यह बताना चाहता है कि भारत एक ऐसा देश है जो पैगंबर मोहम्मद साहब का सम्मान नहीं करता और भारत के हिंदुओं को नुपुर शर्मा के बयान की कड़ी सजा मिलनी चाहिए।